इस्लामाबाद में बहुत बारिश होती है और बारिश का जो मौसम है वो यहाँ इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे का बायस होता है। लेकिन कुछ अरसे से जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए सेक्टर्स आबाद हो रहे हैं, पूर प्लानिंग के बायस वो जहमत का बायस बनने लगी है। उसकी एक झलक आज नज़र आई जब आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब बारिश शुरू हुई और E11 सेक्टर में एक ख़ास मखसूस जगह है, ये पूरे इस्लामाबाद को जो तबाही का मंजर आपको नज़र आ रहा है ये खास उसी एक जगह को रिफ्लेक्ट कर रहा है। E11-1 में स्ट्रीट 2 है और उसके साथ एक मेन वो डबल रोड है, उसी जगह के ये सारे मनाजर हैं। पीछे इसके शाह अल्लाह दिता का इलाका आता है जहाँ वो पुरानी गारें भी हैं, बुद्धिस्ट वो जो केव्स बनी हुई हैं, वहाँ से पानी निकलता है, नीचे आता है, इस इलाके से गुजर के वही पानी आगे से गोल्डा की तरफ होके आगे को चले जाता है। लेकिन जैसे ये सोसाइटीज़ डेवलप की, CDA के अप्रूव प्लान के मुताबिक होनी चाहिए थी, वहाँ पर नेचुरल ड्रेन जब आप बंद करें, कराची के अंदर हमने देखा था, कराची शहर के जितने ड्रेन थे, जितने नाले थे, उनके ऊपर कब्जा हो चुका था। DHA के अंदर एक पूरा फेज़ रिक्लेम्ड लैंड के ऊपर बनाया गया था, तो जो पीछे से पानी आता था उसने समंदर में गिरना होता था, आगे एक पूरा सेक्टर बन गया हुआ था, DHA डूबा उसकी वजह से। तो ये उसी की रिफ्लेक्शन है, इंटायरली वही कॉपी हुआ है, यही मॉडल जो कराची की तबाही का सबब बना था इस E11 सेक्टर के अंदर। ऊपर से पानी का रेला है, नीचे आगे से जहाँ से ड्रेन होनी चाहिए थी, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जुल्कर नैन, वो जाके उसको बना के आए कि नाले का रास्ता आता है और यूं करके शार्पली टर्न करके प्लाजों के और घरों के दरमियान से दूसरी तरफ मुड़ गया, साथ गली भी बनी हुई है, साथ सड़क भी है, पूरी गाड़ियां बहा के वो ले गया। 15-20 मोटरसाइकिल भी उसने बताया कि वहाँ जो जिन लोगों से वो मिला कि 15-20 मोटरसाइकिल भी हैं जो पानी में बह गए। बड़ी गाड़ी है, क्रोला गाड़ी है, वो छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं है, हल्की फुल्की के पानी में बह गई हैं, वो पानी बहा के ऐसे ले गया कि जैसे वो कागज़ की नाव बच्चे बना के रखते हैं ना, तो पानी के साथ वो आगे बारिश के पानी में चली जाती है, ऐसे गाड़ियाँ तैरती हुई चली गई। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें एक माँ और उसका बच्चा है वो भी पानी में डूब गए, बेसमेंट में पानी चल गया, बेसमेंट जितनी भी थी अक्सर में पानी चला गया, और उसको ड्रेन आउट करने के लिए फौरी तौर पर बंदोबस्त भी नहीं था, क्यों कोई एंटिसिपेट नहीं था कर रहा, किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की इजाज़त किसने दी थी, नाला पूरा खुला है दोनों तरफ से। एक और जो अफसोसनाक पहलू है, ये कैपिटल है पाकिस्तान का, नाला खुला है दोनों तरफ से, अगर कोई बच्चा खुदा ना करे किसी का ऐसे बारिश के रेले में वो उसके कदम उखड़ जाए तो वो नाले में गिरने से उसको रुकावट कोई नहीं है। उसके दोनों तरफ से जो बैंक्स हैं उसके पक्के होने चाहिए, आगे कोई फेंस लगी होनी चाहिए, करीब करीब ऐसे कोई आसार नहीं है, है ही नहीं है, सिरे से नहीं है, खुला नाला है।